बहुत बढ़िया, एक नंबर, शिवराज जी ही जीतेंगे यहाँ से। भाई साहब आपकी साल तो सरकार में पलट भेर थी। बढ़िया माहौल है भाई साहब, हमारी वाइफ को हर महीने पैसे देते हैं, मेरी वाइफ को देख बार 3,000 डाले उनने, अच्छी व्यवस्था साहब, इससे अच्छा मुख्यमंत्री हमको नहीं मिलेगा भविष्य में भी। क्या है, गरीब आदमी का मरण है, बीमा आया, पैसा ढंग से आ ही नहीं रहा, कहीं का 10,000, कहीं का 6,000। कोई बड़ा विकास हुआ जो एक मुख्यमंत्री की हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की, डैम, जो डैम, जो दो डैम मंजूर हुए तो जो इन्होंने कैंसिल कर दिए। अरे हम तो परेशान है साहब, घर से बेघर करवा दिया शिवराज जी, घर से ही बेघर करवा दिया। नमस्कार, मैं हूँ नवेद जाफरी और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाया है। क्या है चुनावी माहौल, क्या कहती है यहां की जनता, ये जानने की कोशिश करेंगे एमपी तक की चुनावी चौपाल में। दिनेश ठाकुर भैया, माहौल अच्छा है और अभी क्या शिवराज जी ने अभी हमारे इधर पाइपलाइन की व्यवस्था भी कर दी खेतों में किसानों के लिए, और मुआवजा वगैरह भी डाल रहे हैं, और हर साल 2,000 रुपये किसानों को डालते हैं वो, तो वैसे अच्छा चल रहा है उनका, वो तो यहाँ से जीतेंगे साहब। बहुत बढ़िया, एक नंबर, शिवराज जी ही जीतेंगे यहाँ से। हाँ तो बिल्कुल जीतेंगे ना, वो तो अच्छे वोटों से जीतेंगे वो। विकास बहुत कुछ करा, बहुत विकास करा, पाइप लाइन हो गई गांव गांव, बड़ी लाइन भी चल रही। अच्छा माहौल है इस बार, और वैसे भी मतलब काफ़ी काम हुआ है सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोड वगैरह भी पूरे बने हैं, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, हर जगह। अभी मुख्यमंत्री महोदय हमारे यहाँ लाड़कू आए थे, उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी घोषणाएँ की है, और भूमि पूजन भी किया है, उसका 4 दिन बाद भूमि पूजन कॉलेज के और पंचायत कार्यकर्ताओं ने किया है, और बहुत अच्छा माहौल है, और अच्छे वोटों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय विजय होंगे। नहीं नहीं, यहाँ के लोग सब खुश हैं, और मतलब यहाँ तो क्या है, हमारे गृह क्षेत्र के हैं और पाँव पाँव वाले भैया, शुरू से हमारे यहाँ से उन्होंने राजनीति शुरुआत की है, तो बहुत अच्छे से सभी लोग, वो भी जानते हैं और लोग भी सब जानते हैं, और लाड़कुई या रसुल्लागंज का व्यक्ति अगर जाता है तो मतलब मुख्यमंत्री निवास पर जाएगा तो उसको कार्ड दिखा के अंदर जाने देते हैं, कोई मना वगैरह नहीं करते हैं, बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे, और अच्छे वोटों से विजय होंगे। चुनाव माहौल बढ़िया है, बुधनी से बनेगा मुख्यमंत्री, तो अभी तो बहुत काम किया है मुख्यमंत्री जी। हाँ जी, बोर्ड क्या काम हुआ है यहाँ पे बुधनी क्षेत्र में? बढ़िया है साहब माहौल, यहाँ बहुत अच्छा है, शिवराज जी को ही मिलेंगे। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा कार्य किया, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा भाई साहब, अच्छा है, जीत जाए बीजेपी, बीजेपी जीत जाए अपना दस। हाँ हाँ, जिन जा भाई साहब आपकी साल तो सरकार में पलट भेर चाहिए, ये है अपना कहना, और क्या अब वोट देंगे उस वक्त सोचेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। हमारे को तो कोई फायदा नहीं है साहब, हमारे को तो सरकार ही बदलना है, बस बात खत्म, ये है। नहीं मिला नहीं, इसीलिए बस भाई साहब बढ़िया माहौल है। और भी लोग इधर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप किस रोड से आए हैं? किस रोड से आए हैं आप? सीहोर रोड से। आज से जब मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे इस क्षेत्र के, तब इस क्षेत्र के कांग्रेस में कंडीशन यह थी कि आपको सीहोर अगर जाना है तो शायद 6 घंटे लग जाते थे, आज ये कंडीशन है कि आपको 1.5 घंटे में आप सीहोर टच हो जाते हो जिला से। इंदौर जाना है तो समय कम लगता है, रोडों के ऐसे जाल बिछा दिए हैं। ये दादा गुलरपुरा के हैं, गुलरपुरा चारों तरफ से ऐसे गड्ढे में था भाई साहब, कांग्रेस सरकार के शासन की बता रहा हूँ मैं, कि चारों तरफ से
अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमारी आ जाती, परेशान हो जाता था तो आदमी को मरना पड़ता था। तो ये सुविधा हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब ने दी है, मुख्यमंत्री जी ने दी है। उसके साथ पानी की व्यवस्था, हर घर में नल की व्यवस्था हुई है। महिलाओं के सिर पे बाल्टोई रख के जो लेके आती थी पुरानी महिलाएं, जो आप तो साथ जानते नहीं हो बाल्टोई चीज़ क्या होती है, घघरा होता बड़ा टाइप से, बहुत परेशानी थी पानी की। एक समस्या का सबसे बड़ा समाधान वो करा है महिला को हित ने। उसके बाद गांव के आंतरिक मार्गों की व्यवस्था सही साठ गई, गाँव में जो है कॉलेज की व्यवस्था हो गई, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो गई, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, वहाँ से चलो तो लाइट व्यवस्था भी ठीक ठाक है। बढ़िया माहौल है भाई साहब, हमारी वाइफ को हर महीने पैसे देते हैं, मेरी वाइफ को एक बार 3,000 डाले उनने, अच्छी व्यवस्था साहब, इससे अच्छा मुख्यमंत्री हमको नहीं मिलेगा भविष्य में भी। हाँ जी, बनना चाहिए भाई साहब। कौन के लिए कर रहे हैं? गरीब के लिए तो कर रहे हैं, पैसे कितने निकाल रहे हैं वो गरीब के लिए निकाल रहे हैं, गरीब के खाते में डायरेक्ट डालते हैं वो, क्या बुरा करा उनने? ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं मिलेगा आप कभी भी। मेरा नाम मुकेश प्रजापति है। माहौल क्या, माहौल तो देखने में ये आ रहा है कि अभी 50% का चल रहा है, जैसा भी होगा। अब क्या है कि अभी कांग्रेसी ने प्रत्याशी को पारित नहीं किया है, जैसे वो कुछ करते हैं। अभी सुनने में आया ही है कि नवरात्रि के रोज कांग्रेस लिस्ट निकलेगी, तो इसमें वो बताएंगे अपने को कि कांग्रेस प्रत्याशी कौन है, इसके बाद सारा बात पता चल पाएगी कि ये क्या है। वोटिंग का तो अगर माना जाए तो वोटिंग के लिए तो अभी फिलहाल की स्थिति में ये है कि यहाँ पे बुधनी विधानसभा जो है वो शिवराज सिंह के गढ़ कहलाता है, वो गढ़ होने के कारण नाते यहाँ पर शिवराज सिंह के हारना तो बहुत नामुमकिन है। विकास का ऐसा है कि जितने भी विकास हुए हैं उसमें 50% विकास हुए हैं, वो 50% अभी नहीं हो पाए क्योंकि कुछ काम बाकी है और कुछ होना है। ये भाई साहब सब अच्छा चल रहा है, काम बढ़िया। मकसूद अली, अच्छा लग रहा है सर, क्यों ना रखेंगे, फुल रखेंगे जी, वही होने चाहिए, वही होने चाहिए, अपने शिवराज सिंह ही होने चाहिए। माहौल लग रहा है बुधनी विधानसभा में इस बार? बुधनी विधानसभा हम कांग्रेस जीतेगी भाई साहब, कांग्रेस पार्टी की जीत है। शिवराज सिंह अब की नील मान के चलो, बहुत मुसीबत है उनके लिए। क्या किया उनने? लोगों को अपने वाले, उनको पैसा दिया खाते में, ये उनकी ये रखी मेरे हाथ में, अभी भी सब चीज रखी है। क्या है, गरीब आदमी का मरण है, बीमा आया पैसा ढंग से आ ही नहीं रहा, कहीं का 10,000 कहीं का 6,000, किसान का तो ध्यान ही नहीं, एक सोयाबीन एक बीजा नहीं हुआ, खाली चक्री फिर वही है खेत में, 1.5-2 क्विंटल सोयाबीन बोई, थोड़ी सी जमीन जमी एक दाना नहीं था भाई साहब, कहीं मुआवजा नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं, 10-15 हजार। मेरा नाम वहीद भाई मंसूरी। क्या माहौल इस बार चुनाव? माहौल यह है कि कांग्रेस जीतेगी, शिवराज सिंह की बहुत मुसीबत में है क्या, और उनने कुछ भी नहीं करा है काश्तकार के लिए, क्या सोयाबीन में जो है 8-8, 10-10 क्विंटल वही है, जिनकी 5-5, 4-4 क्विंटल सोयाबीन हुई, ना तो मुआवजा दिया है ना कुछ, और मुआवजा दिया तो 4,000 रुपये, तो क्या है, किसान की तो मरण हो गई पूरी, और लोगों को वैसा पैसा बांट रहे हैं 25-25, 20-20 हजार रुपये, ये चल रहा है ना पे, और कांग्रेस जीत रही है ना पे बुधनी सभा में, तो वो तो हार रहे हैं। कमलनाथ जी बनेंगे, कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। हरीश शर्मा, इस बार परिवर्तन का माहौल है सब, इस बार परिवर्तन निश्चित है, क्यों जनता हर वर्ग परेशान है, किसान वर्ग, युवा वर्ग, व्यापारी वर्ग, सब परेशान है। इस साल फसल हुई नहीं है, ना तो कोई सर्वे हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, किसान वर्ग पूरा परेशान है, और ना इस क्षेत्र में कोई बड़ा विकास हुआ जो एक मुख्यमंत्री की हैसियत के हिसाब से होना चाहिए।
हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की, डैम जो डैम जो दो डैम मंजूर हुए तो जो इन्होंने कैंसिल कर दिए वो सबसे बड़ा फॉल्ट है इनके लिए। सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी साहब, बेरोजगारी। जो सीएम की हैसियत के हिसाब से लाभ मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिला है। हाँ तो वो तो बनाया है उनको प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में है यहाँ। वसीम अब देखे साहब अपने को तो सर इनमें वो नहीं है, सिप्पू भाई बताएंगे, सिप्पू भाई से पूछ। अरे हम तो परेशान है साहब, घर से बेघर करवा दिया शिवराज ने, घर से ही बेघर करवा दिया हमको, जमीन छुड़ा ली हमारी, जमीन छुड़वा दी शिवराज से की सुने नहीं, आज तक कर्मचारी सुने नहीं, रिपोर्ट करे पुलिस सुने नहीं, आई करे पढ़िया पढ़िया रो कहीं रो बने, ये स्थिति चल रही है, कोई कर्मचारी नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने, इतनी रिपोर्ट कर रहा कि शिवराज को बता दी जब तक नहीं सुने शिवराज ने। सब्बीर खां, सब्बीर खां, चुनाव में माहौल ये है साहब, चुनाव माहौल ये है, गऊ होन का बिटमारा होना, गली गली फिर रही गऊ होन, पूरा डोंगर को उठवा दिया, ये माहौल है चुनाव में, तो जनता चाह रही है कांग्रेस को, ये बताया सर यही बात का ध्यान है, गऊ राम बिटमाना, अब उनकी तो गऊ हो गई, सबकी हो गई, वो तो गऊ माता, पूरा डोंगर उठवा दिया। कुछ नहीं होना, कांग्रेस ही निकलना है, जहाँ से भी जाएगी वहाँ कांग्रेस साल लट जाएगी, कुछ भी नहीं मिला, तीन तीन चार चार महीने हो गए पेंशन होनी नहीं, बुढ़े होने के बाद लाली लक्ष्मी उनमें डाल रहा है एकदम, पेंशन ही नहीं मिल रही, चार चार महीने हो गए हमको। चुनाव में तो साहब कांग्रेस जीतेगी इस साल, शिवराज सिंह को बिठाएंगे घर, ऐसा ये हुआ कि अनुदान राशि अभी 5-5 मतलब लोगों को दी, किसी को 25,000 किसी को 30, और हमारे एक परिवार के ने पूरी चाट गया, हमारे भाई ने, मेरे छोटा भाई है, सबकी अनुदान राशि निकाल ली। हाँ तो वो तो बनाया, उसको तो हरवाएंगे, अब हरवाएंगे हरवाएंगे, काय का लाभ मिला, ये मोदी वाले पैसे मिल रहे हैं 2,000 भाई, यही लाभ है हमें तो। चुनाव का तो क्या है सर, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, पब्लिक की के ऊपर है वो तो क्या है क्या नहीं होना है, पर जिसको देना है उसको तो देंगे वोट। मुख्यमंत्री को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया यहाँ से देखा है? नहीं सर, हमको तो कुछ नहीं दिया, हम तो उसकी उम्मीद नहीं करेंगे, जिसको दिया है वो देगा उसको वोट, हमको कुछ नहीं दिया शिवराज ने, नहीं मिला कुछ भी नहीं मिल पा रहा सर हमको, ना झुग्गी मिली ना आज तक लेटरिंग बाथरूम कुछ नहीं मिला, एक पैसे की सुविधा नहीं है। वोटिंग करने जाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? क्या ध्यान में रखेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा उसको ध्यान रखेंगे। रफीक क्या माहौल लग रहा है सर? इसे तो इस बार तो अपने को कांग्रेस की लग रहा है, परिवर्तन चाहिए, काफी दिन होगा गरीब को तो कुछ मिले ही नहीं, जो बोलता है पैसे वाला है उसी को मिलता है ना, मुद्दों को यही कि गरीब को कुछ मिला ही नहीं, एक योजना से क्या होगा, बहनों को दे दिया, भैयाओं को भांजों को सबको पटक रखा, और क्या नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कहना क्या चाहेंगे हम तो कांग्रेस भी करेंगे वोट, हमको मिला ही नहीं आज तक ही, कुछ नहीं मिला, कुछ मिल भी जाता तो फिर भी हमें उम्मीद रहती। चुनाव का माहौल अच्छा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मेहरा। क्या माहौल है यहाँ पर आज? अच्छा है, विधानसभा का तो अच्छा है, अपन तो वोट देंगे सीएम साहब को ही, क्या लग रहा है जीतेगी और क्या,
हाँ बुधनी से बनेंगे वो तो। अच्छा चल रहा है काम तो, बस धन्यवाद। बुधनी विधानसभा सीएम साहब के स्पष्ट बहुमत मिलेगा और पूरी तरह से वो निकलेंगे यहाँ से। प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं हमारे, प्रदेश के सीएम हैं, सीएम की जो योजनाएं आई है बहुत अच्छी कारगर है, बहुत अच्छा काम किया सीएम साहब ने। माहौल अच्छा है, एक नंबर है सीएम साहब यहाँ से। बहुत सी चीज़ अच्छी लगी उन लोगों की, इसके बारे में बिल्कुल चलेगी। देवी यादव, बहुत अच्छा माहौल है, सीएम साहब जीतेंगे एक तरफ चुनाव। अच्छा बहुमत से, अच्छे बहुत सारे बहुमत जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह बारेला। ये सीएम के क्षेत्र में क्या माहौल इस बार चुनाव? 100% वोटिंग सीएम भाजपा की जाएगी। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है कौसमी में, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बिल्कुल 100% बनेगा। हाँ मिला है। एमपी तक की चुनावी चौपाल में बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। देखना होगा आने वाले चुनाव में यहां से कौन जीत दर्ज कराता है। नवीद जाफरी, एमपी तक, बुधनी।